नमस्कार मित्रों, रेबल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोनू और आज के जो मेरा टॉपिक है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जो एरर कितने प्रकार से पॉसिबल हैं, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है वो है पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर एंड जीरो एरर। तो आइए समझते हैं कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है और जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि एरर बराबर होता है एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो देखिए, आइए समझते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, इसको हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। तो एरर बराबर होता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो आइए समझते हैं पॉजिटिव एरर क्या होता है। जैसे मान लेता हूँ कोई बॉक्स हमने खरीदा, उसका वजन दिया था 10 किलोग्राम और हमने मेजरमेंट किया तो पता लगा मेजरमेंट करने के दौरान 9 किलोग्राम आया। तो आइए समझते हैं, देखिए जो ट्रू वैल्यू थी 10 किलोग्राम और हमने जब मेजरमेंट किया तो वो वस्तु आई 9 किलोग्राम। तो देखिए इसी सूत्र में रखते हैं, तो एरर बराबर होता है ट्रू वैल्यू का मान कितना है 10 माइनस मेजर वैल्यू का मान 9। तो यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो ई बराबर आ गया 1 किलोग्राम। तो हमने ये देखा कि जो त्रुटि आई है ये धनात्मक त्रुटि है, मीन्स पॉजिटिव एरर आया है। तो यदि देखिए इसका डिफिनीशन हम कैसे देंगे, यदि ट्रू वैल्यू का मान या ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से जब ज्यादा आता है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। फिर से समझते हैं, जब ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा हो तो हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, क्योंकि यहाँ पे +1 आया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निगेटिव एरर क्या होता है। आइए समझते हैं, जैसे मान लेता हूँ कोई वस्तु हमने खरीदा, उसका वजन था 10 किलोग्राम और जब हमने उसका मेजरमेंट किया तो आया 11 किलोग्राम। कितना आया 11 किलोग्राम। तो आइए समझते हैं इसको, जैसे देखिए ट्रू वैल्यू है 10 और मेजर्ड वैल्यू है 11, तो इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 1 किलोग्राम। देखिए इरर आया है 1 किलोग्राम ही, लेकिन ये माइनस में आया है, तो इसको क्या कहेंगे नेगेटिव इरर। आइए समझते हैं नेगेटिव इरर क्या होता है। जब ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम हो, मींस मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो और ट्रू वैल्यू कम हो जाता है, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं नेगेटिव एरर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीरो एरर क्या होता है। जैसे मान लेता हूं हमने कोई वस्तु खरीदा, उसमें दिया था 10 किलोग्राम और जब हमने उसका मेजरमेंट किया तो वहां पे भी 10 ही आया, तो जो ट्रू वैल्यू थी वो भी 10 और मेजर्ड वैल्यू भी आई वो भी 10। तो देखो हमने यहाँ पे 10 रखा और यहाँ पे भी 10 रखा, तो आपको पता है कि 10 10 सब्ट्रैक्ट होकर कितना होगा 0। तो हमने ये देखा कि जो जीरो एरर था, यदि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का मान सेम हो, मींस बोथ आर इक्वल, दोनों समान हो, तो ऐसे एरर होंगे जीरो एरर। तो फिर से एक बार हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ एरर 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एरर, एंड फर्स्ट इज पॉजिटिव एरर, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो एरर। इफ पॉजिटिव एरर को हम कैसे कहेंगे, जब ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव एरर, जब ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम होगी तो हम कहेंगे नेगेटिव एरर, जब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों इक्वली होंगे तो हम कहेंगे जीरो एरर।